लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की जरूरी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आज बिहार दिवस है। बिहार 109 साल का हो गया। प्रदेश की जनता को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके प्रति व्यक्त किया आभार। अब हर सरकारी कार्यक्रम में बजेगा बिहार गीत। पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर लगाई रोक। सिवान में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने किया सुसाइड। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने रजिस्ट्री कर्मी को गोलियों से भूना। पटना में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। और BCL में दरभंगा की हुई धमाकेदार जीत। टूर्नामेंट का पहला शतक विपिन सौरभ ने ठोका। और फिर चर्चा में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत। जाने के बाद भी बिहार को किया गौरवान्वित। अब खबरें विस्तार से। आज है 22 मार्च। आज बिहार दिवस है। हमारा बिहार आज 109 साल का हो गया। इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सारे एक्चुअल कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को संबोधित किया। वहीं सियासी गलियारे से लेकर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बिहार दिवस की लोग बधाई और शुभकामना देते नजर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अन्य ने प्रदेश की जनता को बधाई दी। वहीं नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार फिर गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा। वे पटना के ज्ञान भवन से प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, यह ज्ञान की भूमि है। बिहार दिवस मनाने का मकसद है प्रदेश को हम सब मिलकर और आगे बढ़ाएं, ताकि अपना राज्य विकसित हो, यहाँ के लोगों के मन में आत्मविश्वास बढ़े, सभी लोग प्रेम और आपसी सौहार्द के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार, इस गीत को आप भूले नहीं होंगे। बिहार के शताब्दी वर्ष 2012 में इसे कैबिनेट से राज्य गीत का दर्जा मिला था। अब यह गीत सरकारी कार्यक्रमों में गूंजेगा। दरअसल आज जनता को संबोधित करने के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार गीत हर सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो, इसे आप लोग सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि बिहार राज्य गीत को गीतकार एवं कवि MR चिश्ती ने लिखा है, जबकि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण एवं गायिका साधना सरगम ने आवाज दी है। बिहार में तमाम लॉ कॉलेजों को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सोमवार को हुई सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी है। कुणाल कौशल की याचिका पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि किसी भी कॉलेज में ठीक से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि पूरे देश में लॉ कॉलेजों की संख्या 28 है। युवा RJD का विधानसभा घेराव कल है। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर इस मार्च का आयोजन किया गया है। पार्टी की ओर से JP गोलंबर से विधानसभा तक मार्च करने का रूट चार्ट बनाया गया है। युवा इकाई के इस कार्यक्रम को RJD का भी समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर पटना जिला प्रशासन की ओर से DM ने कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान टकराव की स्थिति बन सकती है। भले ही RJD के विधानसभा कार्यक्रम को पटना जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन पार्टी की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारी है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोया भरने के लिए सोमवार की शाम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि पूरे जोश के साथ प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि हम कल RJD के साथियों संग बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि, सभी संविदा कर्मियों और शिक्षकों के साथ अन्याय और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के गठन के विरोध में विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने यह भी लिखा, रुकना नहीं है, थमना नहीं है।
निरंकुश सत्ता के समक्ष झुकना नहीं है। गुस्सा इंसान का सब कुछ स्वाहा कर देता है। जब तक इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही मामला सिवान से सामने आया है। बसंतपुर थाना अंतर्गत बसाव टोला नगरी निवासी राजेश राय सब्जी बेचकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सोमवार की सुबह उसकी पत्नी के साथ कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश ने चाकू गोद कर पत्नी की हत्या कर दी। बाद में खुद को फंसता देख उसने भी सुसाइड कर लिया। पति पत्नी के विवाद में उनके चारों बच्चे अनाथ हो गए। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का खौफ कम नहीं हो रहा है। अपराधी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार की सुबह अपराधियों ने रजिस्ट्री कर्मी को गोलियों से भून दिया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर रामपुर में घटी। मृतक की पहचान वैशाली के अब्दुल कुद्दुस के रूप में हुई। अब्दुल मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस में पोस्टेड थे। घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। उधर एक अन्य घटना में अपराधियों ने देवरिया रोड स्थित ब्रह्मपुरा रेलवे गुमटी के समीप कंपाउंडर अमजद हुसैन को गोली मार दी। घायल कंपाउंडर का इलाज चल रहा है। पटना में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। सोमवार को बाईपास पर घर से ऑफिस जा रहे युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नालंदा के हरनौत निवासी विनय के रूप में की गई है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने बाईपास को घंटों जाम कर दिया। पटना सदर के BDO मौके पर पहुंचे और मृतक के परिवार को सरकारी तौर पर मुआवजा उपलब्ध कराया, तब जाकर जाम खत्म हुआ। बिहार क्रिकेट लीग के पांचवें मुकाबले में आज दरभंगा डायमंड्स ने गया ग्लैडिएटर्स पर धमाकेदार जीत दर्ज की। दरभंगा के सलामी बल्लेबाज विपिन सौरभ ने टूर्नामेंट का पहला शतक लगाया। विपिन ने 52 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। दरभंगा के इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में यह दूसरी जीत है। विपिन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। गया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में दरभंगा ने 16वें ओवर में ही टारगेट को पूरा कर लिया। उस समय दरभंगा के 3 विकेट ही गिरे थे। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने बिहार दिवस के मौके पर अपने राज्य को शानदार उपहार दिया है। जाने के बाद भी उन्होंने बिहार को गौरवान्वित किया। सुशांत के अलावा बिहार से बॉलीवुड तक सफर करने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी बिहार का नाम रोशन किया। दरअसल आज 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की बेहतरीन फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया। आपको बता दें कि पिछले साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिहार के ही मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए दिया गया। इस फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को काफी सराहा गया था। आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी का एल्बम मुंबई में काबा काफी हिट रहा। हालांकि फिर बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड कंगना रनौत के नाम रहा। यह अवार्ड उन्हें मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।